एजुकेटर इंडिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी में मात्राओं के ज्ञान की। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से मात्राओं का ज्ञान भी नहीं होता है और वो बोलने में और लिखने में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। कई बार तो उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। कई लोग और कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते, घर में माता पिता ठीक से नहीं बोल पाते, जिसका असर बच्चों में आ जाता है। कई बार उन्हें मात्राओं का ठीक ज्ञान ना होने की वजह से अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो चलिए आइए हम सीखते हैं मात्राएं, ताकि आपको कभी शर्मिंदगी ना हो और भविष्य में आप स्वयं को अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो ये मात्राओं के ज्ञान का पहला भाग है, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से हम जानकारी दे दें। थोड़ी जानकारी देंगे, अगली बार आपको ज़्यादा जानकारी खुद हो जाएगी और उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ हमारे पास है अक्षर और उसके मात्रा का स्वरूप है, बनने वाले शब्द हैं, फिर शब्द में उसका प्रयोग है। तो अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे अमर और अगर होते हैं, शब्द में प्रयोग करें तो आत्मा अमर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला अक्षर, जिसको हम आ कहते हैं, और आ की मात्रा के रूप में आपको मालूम होगा कि आ का सिर्फ एक डंडा होता है, ये आप जो देख रहे हैं, जैसे काम, काम ही पहचान है, इसको थोड़ा खींच कर बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ई की, ई, कुछ लोग इसको छोटी ई की मात्रा भी बोलते हैं या छोटी ई भी बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। देखिए इसकी मात्रा पीछे की तरफ मुड़कर लगती है, जैसे दिल, तो दिल से पढ़ो, ध्यान रहे छोटी ई की मात्रा को थोड़ा कम खींचकर बोला जाता है, कम समय देकर बोला जाता है, ई बोला जाता है, जबकि ये बड़ी ई है, इसको खींचा जाता है, जैसे जीत, वो दिल था, जल्दी बोला गया और यहाँ पर जीत लिखा गया है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिनको देखकर ये महसूस होता है कि कुछ अक्षरों का भी ठीक से ज्ञान लोगों को नहीं होता है। तो आप क्या करें, हमारे इस चैनल पे दूसरी और वीडियोस हैं, उनको आप देख लें। अब बात करते हैं छोटे ऊ की। ऊ की मात्रा पीछे की तरफ मुड़ी होती है, इसकी आवाज़ होती है कुल, ऊ, छोटे ऊ, जल्दी से बोला जाता है, जैसे कौ, कौ पर छोटे ऊ की मात्रा कु, ल, कुल। अगर हम बात करें अगले अक्षर की, तो वो होता है बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा को हम खींचते हैं, जैसे भूल, भूल मत करो। तो दोस्तों ये आपको सीखना चाहिए और ठीक से बोलना चाहिए, इनके ज्ञान के बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर है री, री की मात्रा मुड़ी हुई होती है, जैसे कृपा, हम पर कृपा करो। चलिए साथियों कुछ और बात को समझते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पर बड़े ही कीमती हैं। आइए अब इन मात्राओं को वाक्य में प्रयोग करते हुए पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये वाक्य। जी हाँ, अपने आप इसकी ईंट उसके ऊपर कृपा करके ना रखें। जी हाँ, देख रहे हैं आप, इस सेंटेंस में हर एक अक्षर का पहला, हर एक शब्द का पहला अक्षर क्रम रूप में वर्णमाला के अनुसार है, जैसे अपने आप इसकी ईंट उसके ऊपर मत रखें, नीचे प्रयोग है। अब काम किसकी पुरानी भूली कृपा से किया, तो इसको आप ठीक से समझ लें। हमें विश्वास है कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही हमारे चैनल को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। एजुकेटर इंडिया।